डस्ट ऑफ स्नो। ये जो पोयम है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है और इसमें उन्होंने बताया कि कैसे एक छोटी सी घटना भी क्या कर सकती है, आपके मूड को चेंज कर सकती है। एक छोटे से लम्हे में भी आपको क्या है बहुत ज़्यादा खुशी मिल सकती है। आपका सारा जो दिन खराब होने वाला हो वो क्या हो सकता है, अच्छा बीत सकता है। तो यही इस पोयम में बताया हुआ है। जैसे कि आजकल क्या होता है, बच्चे काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, तो वो क्या है अगर जो थोड़ी बहुत अपने पेरेंट्स से या अपने दोस्तों से बात करें तो वो क्या हो सकते हैं, डिप्रेशन की स्टेट से बाहर आ सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ इस पोयम में बताया हुआ है। छोटी सी घटना ने क्या किया, पोएट का पूरा मूड चेंज कर दिया और उनका जो सारा जो दिन था वो व्यर्थ होने से बचा लिया। द वे ए क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। जिस तरीके से क्या है, एक कौए ने क्या किया, मेरे ऊपर बर्फ़ की धूल गिरा दी, कहाँ से, एक हेमलॉक ट्री से। हेमलॉक ट्री क्या होता है, ये अमेरिका में पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका में और पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। इनके कांटे होते हैं और ये क्या होता है, जहरीला पौधा होता है, ठीक है, सफ़ेद फूल भी लगते हैं इनके और ये क्या होता है, जहरीला पौधा होता है। तो ये शायद रॉबर्ट फ्रॉस्ट या तो वहाँ से निकल रहे होंगे या फिर उस पेड़ के नीचे बैठे होंगे, तभी एक कौआ वहाँ डस्ट ऑफ स्नो गिरा देता है, मतलब एक बर्फ़ की धूल उनके शरीर पे गिरा देता है। और इस बर्फ़ की धूल के गिरने के कारण उनके जो मूड में क्या आता है, एकदम से चेंज आता है। देखो नेक्स्ट लाइन में, हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। रूड माने होता है पछतावा करना, विलाप करना। शायद वो किसी बात के लिए क्या कर रहे थे, पछता रहे थे, उनका दिन या फिर ख़राब गया होगा इसलिए वो उसके बारे में सोच रहे होंगे। तो वो बताते हैं कि जैसे ही वो धूल मेरे शरीर पर गिरती है तो क्या होता है, मेरा मूड एकदम चेंज हो जाता है। अभी मैं क्या कर रहा था, पछता रहा था किसी बात को लेकर, और अब इस घटना ने क्या है, मेरे दिन को ख़राब होने से क्या कर दिया, बचा दिया। तो यही एक छोटी सी पोयम इसमें बताई हुई है कि कैसे एक छोटी सी घटना ने उनका सारा मूड बदल दिया, सब कुछ क्या है चेंज कर दिया और अब वो क्या है, अपना सारा दिन ख़राब नहीं करेंगे। हेमलॉक ट्री नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, यही कुछ इम्पोर्टेंट है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके जो लेखक हैं, तो ये भी क्या है आपको याद रखना है। आशा करता हूँ बच्चों वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।